हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़। आज कोई थियोरेटिकल बात नहीं होगी, आज होगी प्रैक्टिकल बात, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप कैसे हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ट्रांसफार्मर के यूज किए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर की मदद से कैसे आप एक हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज बना सकते हैं और उसकी मदद से आप एक छोटा सा LED भी जला सकते हैं 230 वोल्टेज में। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि आपके पास अगर एक 12 वोल्ट का बैटरी हो और आप उससे मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी चार्जर, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मोबाइल सीधा चार्ज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये काम मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल चार्जर में बहुत सारा प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक छोटा सा रजिस्टर है, तो इसको बस लाइट तक ही रहने दीजिए, मोबाइल को चार्ज मत कीजिए। ये बस एक फार्मूला है कि आप किसी भी लोअर वोल्टेज के चीज़ को हायर वोल्टेज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरी तरह और फिर आखिर में आप बताइए कि इस वीडियो आपके लाइफ में क्या काम में आया या तो फिर नहीं आया। आप अगर चाहेंगे तो काम में जरूर आएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो कोई भी आपको काम में नहीं दिला सकता। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक LED बल्ब जो कि बहुत छोटा सा है, इसका रिक्वायर्ड वोल्टेज है 3 वोल्ट और इसका करंट है 25 mA, तो इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट 230 वोल्ट AC सप्लाई के साथ कनेक्शन करके जला सकते हैं। गौर से देखिए दोस्तों, LED बल्ब का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट और हमारे पास है 230 वोल्ट, तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, एक्स्ट्रा वोल्टेज यानी कि 230 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इक्वल टू 227 वोल्ट, इस वोल्टेज को हम लोग को लॉस करना होगा। अब हम इस वोल्टेज को लॉस कैसे करें, इसको लॉस करने के लिए ही यूज किया जाता है रजिस्टर। ये रजिस्टर इस वोल्टेज को लॉस करता है, जिसके वजह से हमारे LED में सिर्फ 3 वोल्ट ही पहुंचता है और LED जलता है। तो दोस्तों, कितना वोल्टेज लॉस करना है वो हम लोग को मिल चुका है और जो करंट दिया हुआ है वो है 25 mA इक्वल टू 0.025 amps। इस 25 mA को amps में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि दोनों सेम यूनिट में आ सके, वोल्टेज और amps सेम यूनिट में आ सके, तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इस वोल्टेज को लॉस करने के लिए हम लोग को कितना ओहम्स का रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। तो ये जो कैलकुलेशन आता है, ये आता है ओहम्स लॉस है, जिसके हिसाब से रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आता है V/I यानी कि वोल्टेज बाय करंट। तो हमारे जो वोल्टेज है जिसको हम लोग को लॉस करना है वो है 227 डिवाइडेड बाय करंट यानी कि 0.025 ओहम्स, तो इसका आंसर आ रहा है 9080 ओहम्स यानी कि 9 किलो ओहम्स के बराबर। इसका मतलब है कि हम लोग इस LED को 230 वोल्टेज में जलाने के लिए अप्रोक्सीमेट 9 किलो ओहम्स का रजिस्टर यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस LED को कैसे रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने से ये डायरेक्ट 230 वोल्ट AC लाइन में भी जल सकता है। तो दोस्तों, इस LED को एक 9 किलो ओम्स के रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्शन करने से हम लोग डायरेक्ट AC सप्लाई से उसको जला सकते हैं। अगर आपके पास एक 9 किलो ओम्स के रेजिस्टर अवेलेबल ना हो तो आप 1 किलो ओम्स के रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्शन करके सेम चीज कर सकते हैं। ये तो बस एक एग्जांपल है, चाहे तो आप 4.5 प्लस 4.5 करके भी लाइन कर सकते हैं, जैसा भी हो आप बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज में कनेक्शन करके इजीली आप 9 किलो ओम्स का रजिस्टर बना सकते हैं। तो ये 9 किलो ओम्स का रजिस्टर बनाने से डायरेक्ट आप यूज कर पाएंगे AC सप्लाई को इस LED को जलाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो फॉल्ट है वो है, बहुत सारा दोस्त कहेंगे कि LED तो एक डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, तो वो AC सप्लाई में कैसे काम करेगा। दोस्तों, ये AC सप्लाई में 50% काम करता है, यानी कि पूरा नहीं जलता,
हमारे जो एसी सप्लाई है भारत में वो है 50 हर्ज का, यानी कि एक सेकंड में 50 टाइम्स वो अल्टरनेट होता रहता है। इसका मतलब है कि हमारा जो एलईडी है वो एक सेकंड में 50 टाइम्स जलेगा, 50 टाइम्स बुझेगा। तो हम लोग का आँख ये समझ नहीं पाएगा, हम लोग का आँख यही समझेगा कि ये लाइट जल रहा है। तो इससे आप धोखा मत खाइए कि एक डायोड एसी में कैसे चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो तो आपने देख लिए, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर 3 पीस सेम एलईडी को सीरीज में कनेक्शन किया जाए, उसके बाद उस 3 एलईडी के सीरीज को 230 वोल्ट एसी के साथ कनेक्शन करना चाहूँ तो उसमें मेरा रजिस्टर कितना ओम्स का आएगा, ये आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कमेंट में क्या होता है कि कोई भी एक दोस्त किसी का देख के वो फिर से कमेंट कर सकता है, तो अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फेसबुक में मैसेज भी कर सकते हैं, जो लोग ठीक आंसर देंगे उन लोगों का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फेसबुक पेज में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहां पर फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों मैं अगर चाहता तो इस वीडियो को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, जिसमें आपको ऐसा लगता कि ये वीडियो बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन दोस्तों मेरा ये स्वभाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इजीली समझ पाए कि इलेक्ट्रिकल का टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। मेरा जो एक विजन है वो है इजी टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर जरूर कीजिए, ये बहुत सारे दोस्तों के काम में आ सकता है, जो लोग घर में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे इस वीडियो को आप कैसे काम में लाएंगे अपने लाइफ में। और जाने से पहले वेरी वेरी सॉरी फॉर दोज फ्रेंड्स हु आर टू मेनी बिजी इन दिस वीक ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। अब तो समझ ही गए होंगे कि पर्सनल इश्यूज क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुका है लेकिन इस वीक में आपको टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने का, तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो जो भी आने वाला वीडियोस हो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में घंटी का सिंबल दबाना मत भूलिए, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा इस रजिस्टर के बारे में कि कैसे आप एक रजिस्टर को देख के बता सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, वो कितने ओम्स का है या तो फिर कितने किलो ओम्स का है, और आप उससे क्या काम में लगा सकते हैं। आप एक रजिस्टर के कलर कॉम्बिनेशन को देख के बता सकते हैं कि ये रजिस्टर कितने ओम्स का है।